अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो है कि सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि जी हम जो है ना कि डॉग्स कार्गो करना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, अगर आप हमें कार्गो करेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो आज मैं ये पपी जो है कार्गो करने जा रहा था इस्लामाबाद, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि कार्गो का तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले ये पपी देखते हैं, पपी देखने के बाद जो है आपको मैं कार्गो का तरीक़ाकार बताता हूँ। तो व्यूवर्स, ये वाइट कलर की फ़ीमेल पपी है, बहुत फ्लफी है, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो एक ये है और मैं आपको दूसरे दिखाता हूँ डॉग्स। इसको मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा वॉक कर ले, यहाँ ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ बहुत मस्ती आ रही है इसको। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक कलर का मेल है। और एक और दिखाता हूँ आपको मैं इस फीमेल वाइट वाली के साथ क्या है। ये जाने वाला, ये एक और मेल है ब्लैक कलर का, बहुत प्यारा है। तो ये जो है इस वाइट फीमेल के साथ जाएगा। और वो पेयर अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो अलग दो फैमिलियों ने मुझसे मंगवाए थे अलग अलग पेयर। तो ये वाइट वाली के साथ जाएगा फीमेल के साथ। मैं एक और दिखाता हूँ आपको पेयर, ये अलग पेयर जाएगा दो फैमिलीज ने इस्लामाबाद की, और वो वाइट वाली के साथ, वो मैंने आपको दिखाया वो जाएगा। तो बहुत शरारती हैं और आप ये देख सकते हैं ब्लू आइज़ में बहुत खूबसूरत पपी हैं। इसके अभी एयर सही से स्टैंड नहीं हुए, इस तरह स्टैंड हो जाएंगे इसके भी। ये जो बॉक्सेस हैं इनको जेट बॉक्स कहा जाता है, और ये जेट बॉक्स ट्रेवल में यूज़ किए जाते हैं। जब आप किसी भी जो है ना कि डॉग को बाय एयर कहीं एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करते हो, तो ये जेट बॉक्स होना लाजमी है। इसके बगैर डॉग जो है कि कभी भी जो भी PIA वाले हैं या कोई भी एयरलाइन है वो पिक नहीं करती, क्योंकि ये जेट बॉक्स ट्रेवल के लिए होता है। तो जब आप किसी भी एयरलाइन के थ्रू या जो है कि PIA के थ्रू किसी डॉग को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं, कार्गो करते हैं, तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता जाऊं कि तरीक़ेकार ये होता है कि आपने एक जेट बॉक्स लेना है, उसमें आपने अपना एक डॉग रखना है। सिर्फ एक जेट बॉक्स में एक डॉग जा सकता है। ये तीन से चार बच्चे हैं, तीन चार जेट बॉक्स मेरे पास अलग अलग हैं, जो मैं वहाँ जाकर कार्गो करूँगा तो तीनों चारों में अलग अलग मैं एक एक पपी ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये तरीक़ेकार होता है। उसके बाद आपके पास जितने भी पपी हैं, या एक डॉग है या चार डॉग है, सबका अलग अलग हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद आपके पास जो है एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए, जिस पे आप जो है ना कि रिटर्न में देंगे कि जी, जिस पे लिखा होना चाहिए कि अगर दौरान सफ़र मेरे डॉग को या मेरे पपी को कुछ भी होता है, तो मैं PIA कार्गो पे या किसी भी कंपनी के एयरलाइन में आप अगर ट्रेवल करवा रहे हैं डॉग को, तो उस पर क्लेम नहीं करूँगा। उसके बाद आपको जो जो इदारा है, जैसा कि मैं PIA से करूँगा, तो PIA मुझे एक स्लिप देता है, जिस स्लिप पर जो रिसीव करने वाला है उसका नाम डिटेल वगैरह लिखा होता है। तो वो स्लिप जो है मैं यहाँ से उसको जो है ना कि सेंड करूँगा, उसका नंबर सेंड करूँगा कि जी ये स्लिप नंबर है, आप वहाँ पर जहाँ से जिस शहर में ये जाकर लैंड होंगे, जैसे कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद भेज रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में जब ये लैंड होंगे तो वहाँ के एयरपोर्ट पर कार्गो में जाकर वो स्लिप दिखाएगा। स्लिप दिखाने के बाद उसको ये पपी दिए जाएंगे, गेट पास दिया जाएगा, और वो फिर रिसीव करके अपने घर पर लेकर जा सकता है। ये तो तरीका हो गया एक बाय एयर भेजने का। आज मेरा सा स्टेज ये है कि तकरीबन 4 से 5 दिन से मैं PIA कार्गो कराची वालों से कॉन्टेक्ट में था, और मुझे ये पपी इस्लामाबाद भेजने थे, और 4-5 दिन से ही जो है कोई भी फ़्लाइट ऑक्सीजन वाली नहीं थी, क्योंकि ये कार्गो में जाते हैं और कार्गो में ऑक्सीजन होना लाजमी होती है, और वो मखसूस फ़्लाइट्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है। तो ये मैं नहीं भेज पा रहा था, और मेरी कोशिश थी कि मैं PIA कार्गो में भेजूं, लेकिन जो क्लाइंट्स थे, आप समझ सकते हैं कि जो पपी लेता है वो बहुत एक्साइटेड होता है कि पपी हम तक पहुंचे और हम देखें कि किस तरह का है। तो उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो आज मैंने ये डिसीजन लिया कि जी, अभी भी उन्होंने बोला कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कब आएगी फ़्लाइट ऑक्सीजन वाली, तो मैंने डिसीजन ये लिया कि मैं ट्रेन के थ्रू भेजूँ। अब आप समझ सकते हैं ट्रेन के थ्रू 24 घंटे का सफ़र है। तो उस सफ़र में मैंने एक अपने दोस्त को तैयार किया है जो इन पपीज़ के साथ जाएगा ट्रेवल में, और ये जेट बॉक्स हटाकर मैं इनको केजेस में भेजूंगा, जिनमें इनका खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। ये मज़ीद आपको आगे दिखाता हूं। तो उन केजेस में ये भेजने का प्रोग्राम है, और साथ में अपना एक बंदा भेजूंगा जो उनको पानी खाना कल तक देता हुआ जाएगा, और मज़ीद जो है ना कि आगे अपना सफ़र करेंगे।
तो चलें मैं आपको चल के वो केजेस दिखाता हूँ जिसमें मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा। फ्रेंड्स, तो मैं इनको केजेस में ट्रांसफ़र करूँगा। मैंने आपको बताया था कि ये इन जेट बॉक्स में लंबा सफ़र नहीं कर सकते, तो केजेस में इनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सकता है। तो ये इनके केजेस हैं, मैं इनमें इनको ट्रांसफ़र करता हूँ। ये इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है केज में, ताकि इसको आसानी हो ना। तो इसके साथ जो मेल है वो भी मैं इसी में डालूंगा, फ़िलहाल आगे जाकर ट्रांसफ़र करूंगा। और ये जो है ये भी इसके साथ जाएगा। अच्छा फ्रेंड, मैंने अभी जो है इस केज में इसको ट्रांसफ़र किया है, और आगे जब स्टेशन पे हम पहुंचेंगे तो ये फीमेल अकेली रहेगी, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और हो सकता है इसको खाने पीने में डिस्टर्ब करे। तो ये जो केज होल्ड हुआ हुआ रखा हुआ है, इस केज में मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा मेल को, और ये फीमेल इसी में रहेगी। बाकी मज़ीद वो छोटे साइज़ के दो पपी तो वो मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इसको मैं उस वाले केज में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक पपी पहले करता हूँ ट्रांसफ़र इसमें। ये एक पपी है फ्रेंड्स, तो ये भी इसी में ट्रांसफ़र करूँगा मैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये पेयर इसमें चला जाएगा, ये दोनों साथ खाते पीते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये पेयर मैं इसी केज में भेजूंगा। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने इन केजेस में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, और इन केजेस में ट्रांसफ़र करने की वजह यही है कि इनको जो है ना कि खाना मिलता रहे रास्ते में, और सुकून से ये खा सकें, गंदे ना हों। तो इसीलिए इसमें ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि जो PIA का सफ़र है या एयरप्लेन का सफ़र है या बाय एयर सफ़र होता है, उसमें घंटे से डेढ़ घंटे में कहीं पे भी पपी पहुँच जाता है किसी भी सिटी में। लेकिन ट्रेन का सफ़र लंबा है, तो चलते हैं, रखते हैं अपने सफ़र को रवाना। तो फ्रेंड्स, एक ये हमने केज अलग तैयार किया है, क्योंकि वो जो है फीमेल थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, तो वो डिस्टर्ब करेगी उसको खाने पीने में भी, और डिस्टर्ब होंगे, सफ़र लंबा है। तो ये इस केज में जो है ना कि एक पपी जाएगा। तो ये हम इसको जो है ना कि अलग से एक्सचेंज करेंगे इसमें। ये केज इसका है और ये अलग से इसमें जाएगा। ठीक है, और इनको खाना डालेंगे। जी फ्रेंड्स, तो इन पपीज़ को हमने रात का खाना दे दिया है और पानी वगैरह दे दिया है। मज़ीद इनका डॉग फूड जो इनके साथ मेरा दोस्त जा रहा है, उसके हैंडओवर किया है, तो वो मज़ीद जो है कि सुबह में इनका खाना देगा, और उम्मीद करता हूँ कल शाम तक खैरियत से पहुँच जाएंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।